सब कुछ है अपने देश में रोटी नहीं तो क्या, सब कुछ है अपने देश में रोटी नहीं तो क्या, वादा लपेट लो जो लंगोटी नहीं तो क्या। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया में बीते 8-9 सालों से मोदी जी का डंका बज रहा है। पूरी दुनिया में मोदी जी के जैसा प्रधानमंत्री मिलना बहुत मुश्किल है। जब हमारे मोदी जी बोलते हैं तब उनके भाषण को सुनने के लिए चारों तरफ खामोशी नजर आती है, चारों तरफ एक खौफ नजर आने लगता है, क्योंकि जब शेर बोलता है तब पूरे जंगल में केवल शेर की आवाज़ सुनाई देती है। और मोदी जी तो खैर मोदी ही हैं, मोदी जी तो शेरों के शेर हैं, और बब्बर शेर से टकराने की हिम्मत किस में है। मोदी जी से बड़ा शेर इस वक्त दुनिया में न कोई आया था, न कोई आया है और न कोई आएगा। सिर्फ मोदी जी के शानदार भाषण सुनकर कई दुश्मन देशों की पतलून गीली हो जाती है, पर मोदी जी की बात ही निराली है। हमारे मोदी जी के हिंदी भाषा भले ही किसी देश को समझ ना आए पर तालियां खूब बजती हैं। इन तालियों के शोर के सामने कौन सा सर्कस टिक सकता है? इन तालियों की गड़गड़ाहट में बड़े बड़े नेताओं की बकैती बंद हो जाती है, क्योंकि जैसे तैसे तालियों की आवाज़ हमारे देश के कट्टर राष्ट्रवादी देशभक्तों के कान में सुनाई देती है, वैसे वैसे भारत के विश्वगुरु बनने की शोर गूंजने लगता है। भले ही मोदी जी विदेशियों से हथियार खरीद कर अपना गुजारा करते हों, पर असली सुपरमैन तो मोदी जी ही हैं। भले ही मोदी जी चाइना से बिजनेस करते हों, पर मोदी जी से चाइना वाले कांपते रहते हैं। भले ही मोदी जी फ्रांस के बनाए जहाज खरीद कर सुपर पावर बन चुके हों, पर हजारों साल पहले जहाज बनाने की तकनीक भारत से ही विदेशियों ने चुराई थी, इसलिए राफेल भी हमारा और फ्रांस भी हमारा। भले ही अरब वाले मक्केश्वर महादेव के मंदिर पर कब्जा करके बैठे हों, पर किसी ज़माने में पूरा अरब ही भारत का हिस्सा हुआ करता था। और सिर्फ अरब ही नहीं बल्कि अमेरिका, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, मिस्र, रोमन, यूनान, पुर्तगाल, सब कुछ भारत का हिस्सा था, जिसे हमला करके विदेशियों ने भारत से छीन लिया। वो तो गनीमत है कि उस वक्त हमारे कच्चे वाली सेना के पास तीर तलवार, गड़ासे, बंदूक, राइफल नहीं थे। अगर बजरंग दल वाले मौजूद होते तो तमाम विदेशियों को धूल चटाकर वापस भेज देते। जिस परमाणु बम पर अमेरिका इतना इतरा रहा है, वही परमाणु महाभारत काल में अर्जुन अपनी जेब लेकर घूमते थे। जिस इंटरनेट और लैपटॉप पर दुनिया इतना गुमान करती है, उस लैपटॉप, कंप्यूटर और इंटरनेट का आविष्कार करने वाला भारत ही था। आज भले ही तेल दूसरों से खरीदते हों, पर तेल बेचने में मोदी जी ही सबसे बड़े हैं। अब खबर आई है कि हमारा सबसे करीबी दोस्त रूस इस वक्त मोदी जी से खफा हो चुका है, क्योंकि जिस तेल के खेल में मोदी जी खुद को उस्ताद मानते थे, उसी तेल के खेल ने मोदी जी का मजाक बना दिया। दरअसल जब से रूस यूक्रेन जंग शुरू हुआ, तब से यूरोप ने रूस के तेल खरीदने पर रोक लगा दी, ताकि रूस को तेल की कमाई रुक जाए, पर भारत ने तेल लेना जारी रखा, यानी हमारे देश ने रूस से अपनी ट्रेड जारी रखा। अब भारत तेल के कारोबार में सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ चुका है। अब बीते जमाने की बात हो गई जब सऊदी अरब सबसे ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन करता था, लेकिन अब भारत सबसे ज्यादा तेल बेचने वाला देश बन चुका है। ये सब कुछ केवल और केवल मोदी जी की वजह से संभव हुआ। पर सवाल है कि हम तो खुद ही दूसरों से लेकर अपना काम चलाते हैं, ऐसे में हमारे पास इतना तेल कहाँ से आ जाएगा कि हम तेल बेच सके? दरअसल पश्चिमी देश अपनी ही लगाई पाबंद की वजह से रूस से तेल नहीं खरीद सकते, पर रूस का वही तेल अगर भारत खरीद लेता है उसे भारत का तेल कहा जाएगा, और रूस से खरीदे गए उसी तेल को अगर पश्चिमी देश खरीद लेते हैं तो इस तेल को भारत का तेल माना जाएगा। ऐसे में भारत का तेल इस वक्त पूरे यूरोप में खूब बिक रहा है। भारत ने रूस से अपने कारोबार जारी रखे हैं। रूस ने तेल को बहुत ही सस्ते दर पर भारत को बेचा, यानी रूस से भारत आने वाला तेल बहुत ही सस्ता और किफायती है। पर हमारे देश में तेल के दाम अभी भी आसमान छू रहे हैं। इससे भारत के लोगों को कोई भी फायदा नहीं हो रहा, यानी भारत की जनता को चवन्नी का भी फायदा नहीं हो रहा। तो ऐसे में सवाल है कि जरूर तेल का पैसा हमारे सरकारी खजाने में जा रहा होगा, जिससे हमारे देश की जीडीपी में सुधार आएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल रूस का तेल भारत की निजी कंपनियों के हाथ में जा रहा है, जो उसे रिफाइन करने के बाद पश्चिमी देशों को बेच देती है, और बदले में उनको मोटी कमाई मिल रही है। मतलब जस्ट नॉन अलाई मूवमेंट का हवाला देकर मोदी जी ने अमेरिका को लाल आग दिखा रहे हैं। जिस बरसों पुरानी विदेश नीति का हवाला देकर मोदी जी ने यूरोप की धमकी को हवा में उड़ा रहे हैं, उसका कोई भी फायदा भारत के लोगों को नहीं हो रहा। वरना हमारे
आपके लिए तेल के दाम बहुत कम हो चुके होते, लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हमारी विदेश नीति पर बट्टा लगा दिया, और ये खबर रूस की तरफ से आई है भारत के लिए, और रूस की तरफ से आने वाला बयान मोदी जी के विश्वगुरु होने के दावे की धज्जियां उड़ा रहा है। रूस की तरफ से आने वाला बयान ये बता रहा है कि रूस और भारत के रिश्ते सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं, जबकि सबको पता है कि भारत और रूस का अटूट रिश्ता है। रूस हमारे कई मौकों पर खड़ा होकर अपनी दोस्ती का सबूत दे चुका है, पर रूस की तरफ से आने वाला हालिया बयान मोदी जी के हवा महल को ताश के पत्तों की तरह ढेर कर रहा है। आखिर क्या है रूस का बयान? आखिर क्यों भारत से नाराज चल रहा है रूस? आखिर क्यों मोदी जी से नाराज चल रहे हैं पुतिन? आखिर क्यों मोदी जी के विश्वगुरु होने पर उठने लगे सवाल? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। रूस एक ऐसा देश है जिसने कई मौकों पर अपनी दोस्ती का सबूत पेश किया, जिसने कई मौकों पर भारत के लिए पश्चिम देशों से बगावत की, लेकिन भारत का साथ नहीं छोड़ा, और ये दोस्ताना रिश्ता मोदी जी के विश्वगुरु बनने के दशकों पहले से कायम है। आज भले ही मोदी जी 56 इंची छाती दिखा रहे हैं, पर ये छाती भारत के पिछले नेताओं की मेहनत का नतीजा है, जिसकी वजह से मोदी जी को इतनी इज्जत और मान सम्मान मिल रहा है। लेकिन रूस और भारत के जिस दोस्ती की कस्में खाई जाती हैं, अब दोस्ती में दरार पड़ने लगी है। दरअसल रूस और भारत के बीच पैसों का लेन देन रुपयों में होता है। रूस अपने करेंसी में व्यापार नहीं कर सकता, डॉलर में भी लेन देन नहीं कर सकता, पर रुपये में ज़रूर कर सकता है। यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह की पाबंदी लगा रखी है, इसमें तेल पर पाबंदी भी शामिल है। रूस अपने तेल को यूरोप में नहीं बेच सकता, ऐसे में उसने भारत और चीन को बहुत ही सस्ते दामों पर तेल बेच रहा है। यही कच्चा तेल खरीदकर भारतीय की कंपनियां रिफाइन करके यूरोप के मार्केट में पहुंचा रही हैं। भारत ने जमकर रूस का कच्चा तेल खरीद रहा है और उसे रिफाइन करके पश्चिम को बेच देता है। अब रूस ने अंतर्राष्ट्रीय मंच से भारत पर सवाल उठाए हैं। दरअसल पिछले दिनों शंघाई शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने गोवा आए रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ के काफी तल्ख तेवर देखने को मिले। रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि रूस के साथ रिश्ते बरकरार रखने के लिए भारत दूसरे ऑप्शंस का भी लुफ्त उठाना चाहता है, वह इस मामले में कोशिश भी नहीं कर रहा। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि रूस ने भारतीय बैंकों में अरबों रुपए जमा किए, जिसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हमें इन पैसों की जरूरत है, लेकिन इसके लिए इन रुपयों को दूसरी मुद्रा में ट्रांसफर किया जाना चाहिए और इस पर अभी चर्चा की जा रही है। दरअसल लावरोव ने शंघाई सहयोग संगठन की मीटिंग के मौके पर कहा कि हम भारतीय बैंकों में जमा पैसों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये तब तक संभव नहीं है जब तक इसे दूसरी मुद्रा में बदला नहीं जाता, यही सबसे बड़ी समस्या है। उन्होंने भारत के साथ बढ़ते व्यापार घाटे का भी जिक्र किया। भारत पिछले साल रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से रूसी तेल का खरीदार रहा। रूस से खरीदे गए कच्चे तेल को भारत में रिफाइन कर यूरोपीय देशों को निर्यात किया जा रहा है। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रूस को वैश्विक वित्तीय प्रणाली से बाहर कर दिया, इस वजह से रूस डॉलर में कारोबार ही नहीं कर पा रहा। इतना ही नहीं, रूस पश्चिमी देशों के बैंकों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। कुछ दिनों पहले ही भारत और रूस के बीच व्यापार के लिए रुपयों के उपयोग करने पर बातचीत को कैंसिल कर दिया गया। रूस चीनी युआन में पेमेंट करना पसंद करता है, ये रूस में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली विदेशी मुद्रा बन गई है। इस बीच विनिमय दर में उतार चढ़ाव की वजह से मास्को कथित तौर पर रुपयों का उपयोग करने में संकोच कर रहा है। रूस खुद को वैश्विक वित्तीय प्रणाली से बाहर कर दिए जाने के बाद अमेरिकी डॉलर के बजाय राष्ट्रीय मुद्राओं के इस्तेमाल पर जोर दे रहा है। वो सभी भागीदार देशों के साथ उनके मुद्राओं में व्यापार कर जोर दे रहे हैं। रूसी तेल के कुछ भारतीय आयातकों ने लेन देन की सुविधा के लिए संयुक्त अरब अमीरात से दिरहम और रूबल का इस्तेमाल करने की कोशिश की है। फिर भी रूस और भारत एक मुद्रा विवाद में गतिरोध बने हुए हैं, जिसने दोनों देशों के बीच हथियारों की बिक्री को भी रोक दिया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका आए दिन भारत को कोई ना कोई धमकी देता ही रहता है। यूरोप भी भले ही तेल भारत से ले रहा हो, पर बार बार भारत को आग दिखा रहा है। पर सवाल है कि जिस तेल से भारत के लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा, आखिर उसे पीछे इतनी हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत?
बहरहाल चलते चलते आखिर में शकील बदायूनी ने भी क्या खूब फरमाया है, कांटों से गुजर जाता हूँ दामन को बचाकर, कांटों से गुजर जाता हूँ दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूँ। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।